हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर सी एल क्लास क्लास 7। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। टुडे वी आर कंटिन्यू डिस्कस एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। देखिए, इससे पहले हमने क्वेश्चंस जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन में गिवन था उसका हमारे पास हमने जो स्टेटमेंट गिवन था उसको हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कन्वर्ट किया था क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हमारे पास रिवर्स प्रोसेस गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, पी प्लस 4 इक्वल 15। तो हमें इसका स्टेटमेंट बनाना है, पी प्लस 4 इक्वल 15। तो फर्स्ट का जो स्टेटमेंट होगा, द सम ऑफ पी एंड 4 इज 15। द सम ऑफ पी एंड 4 इज 15। सिंपल, हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना। सेकेंड देखिए, हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसका स्टेटमेंट बनाना है हमें, एन माइनस 7 इक्वल टू। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, डिफरेंस ऑफ एन एंड 7 इज 3। डिफरेंस ऑफ एन एंड 7 इज 3। आप ऐसे ही बना सकते हो, द नंबर 7 इज सब्रेक्टेड फ्रॉम m इज 3, ये भी लिख सकते हो आप। थर्ड का देखिए स्टेटमेंट बनाने हमें, 2m इक्वल टू 7। तो आप इसको कैसे बनाओगे स्टेटमेंट, 2 times of m is 7, 2 times of m is 7। फोर्थ देखिए, m/5 = 3। इसका स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, m/5 = 3। फोर्थ तो ऐसे ही आपके पास और भी पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 के। जो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसका क्या बनाना है हमें, स्टेटमेंट। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन गिवन हो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट। तो बाकी के क्वेश्चंस आप इजीली अटेंड कर सकते हो।